जिस चीज की भी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। पूरे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो कि अमर हो। भले ही कुछ चीजें खत्म होने में खरबों वर्ष लगा दें, पर एक न एक दिन अंत होना तो जरूरी है। इस ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल में इसके अंदर मौजूद करोड़ों गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का अंत हुआ, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। पर इसका अंत कैसे होगा? क्या यह ब्लास्ट हो जाएगा या फिर इसे कोई दानव खा जाएगा? बने रहिए इस वीडियो पर, मैं आज आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं रन विद साइंस। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को तो जरूर दबा देना। तो चलिए जाने पहले तरीके के बारे में। द बिग रिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मतलब हमारा यूनिवर्स प्रकाश की गति से भी तेज गति से एक्सपैंड कर रहा है। वैसे तो कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती, पर ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी गति से कैसे बढ़ रहा है? फिजिक्स के नियम के अनुसार कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो यह फिजिक्स के नियम को कैसे तोड़ रहा है? उसके बारे में तो एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी तो बिग रिंग के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, उसी तरह अरबों वर्ष बाद एक ऐसा समय आएगा जब एक्सपैंड होते होते हमारा यूनिवर्स एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां पर यूनिवर्स के हर एटम के बीच की दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष हो जाएगी और यूनिवर्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। द बिग रिंग होने में लगभग 22 अरब साल का वेट करना होगा, जो कि हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। अब दूसरा तरीका है द बिग फ्रीज। जैसा कि हमने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मतलब यूनिवर्स बढ़ रहा है। द बिग फ्रीज के अनुसार एक समय ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह, हर तारे, हर गैलेक्सी एक दूसरे के इतने दूर चले जाएंगे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह हम कभी नहीं देख पाएंगे, ना ही जा पाएंगे। चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। इन सभी चीज के दूर हो जाने से तापमान घटने लगेगा। इनका तापमान तब तक घटता रहेगा जब तक सभी का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। जैसे ही तापमान -273.15 होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे ही सभी चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्योंकि -273.15 डिग्री सेल्सियस में किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता। कभी भी किसी चीज़ का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, और ज़्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बिग फ्रीज से ही ब्रह्मांड का अंत होगा। द बिग क्रंच, द बिग क्रंच लगभग द बिग रिप के समान है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। द बिग रिप में यूनिवर्स इतना एक्सपैंड होगा कि हर एटम की दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष हो जाएगी। वहीं द बिग क्रंच के मुताबिक हर चीज़ कुछ सीमित समय के लिए एक दूसरे के बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद यह सभी चीज़ एक जगह रुक जाएंगी। उसके बाद यह सिकुड़ना चालू हो जाएगा और अरबों वर्षों बाद सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में समा जाएगा। उसके बाद फिर से बिग बैंग होगा, फिर से यूनिवर्स बनेगा, फिर से यह अरबों वर्षों बाद एक बिंदु में समा जाएगा और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। और अगर द बिग क्रंच सच है तो पास्ट में कितने करोड़ों बार ब्रह्मांड की जन्म और मृत्यु हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो ना भूलिएगा। धन्यवाद।